पड़ोस के मुल्क का अफगानिस्तान में जिस तरह तालिबान का शासन आया, उससे भारत की सुरक्षा को लेकर किस तरह का खतरा पैदा होगा? ये एक ऐसा समय है जब भारत में एक सक्षम प्रधानमंत्री है। मैं इसको भगवान की दया मानती हूँ कि जब अफगानिस्तान के बुरे दिन आए, जो भारत के लिए भी एक चेतावनी हो सकते थे, लेकिन मोदी जी जैसे सामर्थ्यवान प्रधानमंत्री जी के होते हुए हमको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। जी, जिस तरह से मायावती ने जान मुख्तार अंसारी को टिकट देने से मना किया और ओबीसी ने टिकट देने की बात कही, ये भारतीय लोकतंत्र में किस तरह का? ओबीसी को राष्ट्रवाद, भारत माता, इसके संस्कार अपने अंदर डालने पड़ेंगे, नहीं तो वो मुसलमानों को बहुत नुकसान कर देंगे। ओबीसी को अगर कोई नुकसान, मुसलमानों को अगर कोई नुकसान करेगा तो ओबीसी जैसे लोग नुकसान कर देंगे। और मैं उनसे आग्रह करूंगी कि आपके पिताजी बहुत मजबूत नेता रहे हैं हैदराबाद सिकंदराबाद के, आप भी उसी राह पर चलिए। आप देश को कमजोर नहीं कर रहे हैं, आप मुसलमानों को कमजोर कर रहे हैं। दीदी, ट्विटर पर भी लिखा है कि तालिबान और आरएसएस की महिलाओं के प्रति, कौन सी बात? मैं क्या बताऊं आपको, बताऊं? दिग्विजय सिंह का कोई दुश्मन नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन उनकी जीभ है। और उनकी जीभ इतनी खराब है, वो ऐसी बातें बोलते हैं। वो साध्वी प्रज्ञा सिंह से चुनाव हारे हैं, लाखों मतों से चुनाव हारे हैं, फिर भी उन्होंने सबक नहीं सीखा कि उनकी इसी बदजवानी के कारण उनसे पूरे देश हिंदू मुसलमान सब नफरत करते हैं, इसी बदजवानी के कारण। और मैं आज भी उनको कहूंगी, दादा भाई वो हमारे के भाई, जरा अपनी वाणी पर कंट्रोल कर लो आप, बस बाकी सब ठीक है भैया। आपकी वाणी ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है, दिग्विजय सिंह की जीभ ही उनकी सबसे बड़ी शत्रु है।